छोड़ दे में जितने केसेस आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के, उसमें लगभग आधे श्रीनगर शहर में आ रहे हैं। यहाँ श्रीनगर शहर के अधिकांश लोग मौजूद हैं। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह आपसे करना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक हो, इसकी कोशिश की जा रही है, आप भी इसमें सहयोग करिए। अगर हमने एसओपी का पालन नहीं किया तो भगवान न करे फिर वो स्थिति आवे कि जो सब कुछ सामान्य हो गया है उसमें कोई बदलाव करना पड़े। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, खुद भी एसओपी का पालन करिए और समाज में बाकी लोगों को भी, अपने पास पड़ोस नातेदार रिश्तेदार इनको भी इस बात के लिए आग्रह करिए। मैं समझता हूँ ये बड़ी सेवा है मानवता की, ये केवल आपकी सेवा नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से फिर से आपसे इस बात का अनुरोध करना चाहता हूँ। अंत में दो पंक्तियां करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। युवा है ही फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान के तहत युवाओं में टीम भावना को बढ़ावा देने के लिए उनके आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस अपने नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए हमेशा ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती रहती है जिसमें खेलकूद के माहौल को बढ़ावा देने का, प्रोत्साहन देने का मौका जो है बच्चों को मिले। आज का भी ये कार्यक्रम पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल कोई 500 के करीब बच्चों ने हिस्सा लिया था और इस साल कोई 800 के करीब बच्चों ने अभी इसमें हिस्सा लिया है। आपने देखा किस जोश व खरोश से सुबह जब इसको फ्लैग ऑफ कर रहा था इवेंट को, किस तरीके से बच्चे बुजुर्ग बच्चियाँ सब इसमें हिस्सा ले रहे थे। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे इस कोविड के दौर से अब निकल करके खेलकूद की तरफ बढ़ रहे हैं और अमन की राह पर जो इस तरह के कार्यक्रम हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तक ऊपर जो आमन पुलिस जो मेजर इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करती है उसके लिए और सारे कार्यक्रम अभी काफ़ी हमारे जो हैं लाइंड अप हैं। मैं अपनी टीम जो लेड बाई ADG आर्म्ड जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत सारी तादाद में बच्चों को, बुजुर्गों को, बच्चियों को, सबको हिस्सा लेने का मौका दिया है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनाम जीतने वाले लोग और पार्टिसिपेट करने वाले को भी सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।